अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं और सर्दियाँ जा चुकी हैं, तो यहाँ मैं भी इसी की तैयारी कर रही हूँ। अपनी सारी जो हैं सर्दियों के कपड़े जो हैं वो मैंने निकाल लिए, अब उनको तय करूँगी और ऊपर स्टोर में रख दूँगी। तो जी यहाँ पे भी इस वक्त 11 बज रहे हैं और नाश्ते के बाद जो है मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया था। ये 2-3 दिन पहले का क्लिप है, तो अब तो वैसे ज़्यादा मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन इस तरह का चेंज नहीं हुआ कि आप कहीं के बिल्कुल ही गर्मी आ गई है। तो खैर बस यहाँ पे मैं अब जल्दी जल्दी ये कर रही हूँ। नाश्ते के बाद से जो है हम लगे हुए थे, क्योंकि काफ़ी जो है टाइम लगा था और वाकई टाइम लगना भी था, क्योंकि हमारे ऊपर भी चक्कर लगे थे, 3-4 चक्कर ऊपर भी लगे थे स्टोर रूम में। कुछ पे कपड़े पहुँचाने थे, फिर नीचे लेके आने थे, गर्मियों के मैंने निकालने थे और फिर सर्दियों के ऊपर पहुँचाने थे। तो बस अब हम फ़िलहाल जो है ऊपर जा रहे हैं। तो जी यहाँ पे हम बैलून को उड़ाने आए थे और यहाँ पे वो देखें बैलून चला गया, हवा की वजह से जो है वो काफ़ी दूर चला गया था। अच्छा, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मैं तो जी अच्छा हम स्टोर में आ गए हैं। ये भी स्टोर रूम जो है वो आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, फर्स्ट व्लॉग में जब हम यहाँ शिफ्ट होने लगे थे तब। तो बस यहाँ पे जी मैं अपने जो अटैची वगैरह हैं उधर आ गई हूँ साइड पे, उधर से मैं सारे गर्मियों के कपड़े जो हैं वो निकालूंगी। कंबल वगैरह भी मैंने वापस रखने थे, रज़ाई भी वापस रखी है, इसके अलावा गर्म बेडशीट्स जो होती हैं वो भी मैंने रख दी थी, और जुरेस के अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े ये सब जो हैं वो मैंने वापस रख दिए हैं, और गर्मियों के जो हैं वो हमने निकाल लिए थे आहिस्ता आहिस्ता करके। और मज़े की बात ये थी कि हम जुरेस को जो है वो रूम में अकेला बिठा के आ गए थे, ब्लॉक्स उसको मैंने जो है वो खोल के दिए थे ताकि वो उनसे खेलता रहे, लेकिन वो काफ़ी 2-3 दफ़ा जो है बीच में वो रोया है, हमारे 2-3 दफ़ा जो है वो चक्कर लगे हैं नीचे के ऊपर के। तो जी मैंने सोचा कि क्यों ना एक अटैची जो है वो निकाल ले जाते हैं, इसमें से सारे गर्मियों के कपड़े निकाल लेंगे और सर्दियों के जो है इसमें रख लेंगे। तो बस अब फिलहाल मैं वही कर रही हूँ, अटैची जो है हम ले आए थे, और यहाँ पर जी जुरेस को जो है भूख लग गई है, इस टाइम मैं उसको बना के दे रही हूँ जामे शीरी। तो सही, ये काफ़ी लंबी वीडियो थी, काफ़ी घंटों की वीडियो थी, मैंने इसको स्टॉप कर करके जो है वो बनाया था। इसमें इस दौरान जो है मैं जुरेस को खाना भी खिला दिया था और ख़ुद भी थोड़ा बहुत जो खाना था वो खा लिया था। और अब जी जुरेस के सोने का टाइम हो रहा था, तो सोते वक्त जो है वो अब मैं इसको देती हूँ दोपहर में ये जामे शीरी, और अब ये इसका फेवरेट हो गया, अक्सर दोपहर में जो है वो यही पी के सोता है। कभी कभी तो रात में भी जो है मैं इसको दे देती हूँ 1-2 दफ़ा फीडर। तो अब ये जी ये इसको मैं देने लगी हूँ फीडर और ये सो जाएगा, और मैं बाकी का काम जो है वो सारा कंप्लीट करूँगी। तो जी इस वक्त ये है मेरी अलमारी की कंडीशन, काफ़ी कपड़े जो है वो मैंने हैंग कर लिए हैं और ये अभी कुछ रह गए हैं। इसके अलावा जो जुरेस का कोट है सामने, ये भी क्लियर करना है अभी मैंने, और यहाँ पर जुरेस जो है वो सो गया, तो मैंने सारा काम जो है वो जल्दी तकरीबन कंप्लीट कर लिया। और इस वक्त बज रहे हैं आलमोस्ट 4:30। अच्छा, घंटे तक जो है वो जुरेस भी उठ गया था, तो फिर मैंने मशीन लगा दी ताकि जो कपड़े गंदे हुए हुए थे सर्दियों के वो भी धुल जाएं, और वो भी मैं एक ही दफ़ा जो है ऊपर स्टोर रूम में पहुँचा दूँ। और ये देखें जुरेस जो है इस वक्त अपने चिप्स इंजॉय कर रहा है, ये देखें, और यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा ली है साथ में। तो बस आज का दिन जो है वो इसी तरह कामों में गुजर गया। तो जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, और यहाँ पे मैं आई हुई हूँ मामा की तरफ थी जी हमारी दावत। तो इससे पहले जो है मैं यहाँ पे कुछ काम था मेरा वो करने के लिए निकली हूँ, तो जो वो काम क्या था वो मैं घर जाके दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पे हम रुके थे दही भल्ले लेने, 4 या 5 का टाइम था, तो हमने सोचा शाम के टाइम थोड़ा सा इस टाइप की चीज़ जो है वो खा लेते हैं। हाँ, अच्छा यहाँ पे जो मैं कपड़े वगैरह कुछ लेने थे मैं वो लेने गई थी, मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर, और यहाँ से जी मैंने कुछ लॉन्ग के कपड़े लेने थे, कुछ कपड़े जो है वो दिखाती हूँ। वैसे मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं दिखाए, कुछ ही क्लिप बनाए हैं, एक आधा सूट जब मैं खोल के दिखाती हूँ।
तो जी ये वाला जो है इसको खोल के देखते हैं। ये देखें, सबसे पहले ये लॉन की शर्ट है और साथ इसकी मैचिंग शलवार है और इसका जो दुपट्टा है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें, सिल्क का दुपट्टा है और फुल प्रिंटेड दुपट्टा और बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इस तरह का एक और है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ खोल के। अच्छा, ये भी थोड़ा सेम कलर का है, मेहंदी कलर का। इसकी शर्ट बहुत प्यारी है और प्रिंटेड सिल्क का दुपट्टा है, वो भी बहुत खूबसूरत है। ये देखें, बहुत सॉफ्ट लॉन है और बहुत ही प्यारा जो है इसका प्रिंट है। अच्छा, बाकी कपड़े जो मैंने नहीं दिखाए, कुछ कपड़े जो मैं आपको अगले किसी क्लिप में दिखा दूँगी। एक आधे जो है वो मैंने खोल के उस वक्त देखे थे तो वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए। इसके अलावा और भी बहुत से प्यारे कलर जो प्रिंट्स हैं वो थे इसमें। तो खैर, वो फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस जी, बातें शर्तों के दौरान टाइम गुजर गया और जी डिनर का टाइम जो है वो हो गया और यहाँ पे खाना वगैरह जो है सारा रख दिया। तो कुछ क्लिप्स जब वो मैंने बना लिए थे खाना शुरू होने से पहले ही मैंने बना लिए थे। तो बस यहाँ पे जी हम खाना खाने लगे हैं, सारे खाना खाएंगे। मेरी बहन जो है वो बाहर से आई हुई है, इसलिए आना जाना जो है वो काफ़ी इस वक्त मेरा लगा हुआ है। काफ़ी चक्कर जो है वो लग जाते हैं, कुछ काम होते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। इसके अलावा वैसे भी यहाँ वहाँ जो है आपको पता, और ये देखें जरिए इसका हाथ आ गया बीच में, उसको नहीं पता ये बहुत स्पाइसी है। उसके बाद अभी हम वो पानी मांग रहा है जी। खाने में बिरयानी थी, इसके अलावा टिक्के थे और दही भले थे और कुछ एक दो सालन थे। तो बस जी, उसके बाद हमने खाना खाया। ये देखें, सबकी प्लेट्स भी आ गई हैं वीडियो में। तो जी, ये था आज का व्लॉग और अब मैं भी अपना खाना खाती हूँ। इसके बाद जी हमने थोड़ी देर बातें की और मैच जो है वो लगा हुआ था। उसके बाद आलमोस्ट 10 या 10:30 बजे जो है वो हम निकल आए थे घर के लिए। तो जी, उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।